कोरोना के योद्धा का इस तरह चला जाना मन को विचलित कर देता है। डॉक्टर्स हो, पुलिस हो, शासन प्रशासन हो, हर कोई कह रहा है कि अगर कोरोना से बचना है तो दूरियां बनाएं। हमारी संस्कृति हमेशा नज़दीकों की बात करती है, लेकिन इस बीमारी से बचने के लिए, अपनों से नज़दीकियाँ रखने के लिए आवश्यक हो गया है कि हम थोड़ा सा फासला बनाकर चलें। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीज और इससे प्रभावित लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में 400 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं इससे अब तक 31 मरीजों की जान जा चुकी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने और सख्ती करने का प्लान बनाया है, जो अब सभी जगह दिखना शुरू हो जाएगी। कोरोना कहर बना हुआ है। इंदौर, भोपाल और उज्जैन में हालात सुधर नहीं रहे हैं। भोपाल में अब तक 94 मरीज पॉजिटिव मिले हैं और एक की मौत हुई है। इंदौर में 123 मरीज पॉजिटिव मिले हैं और 22 की मौत हुई है। छिंदवाड़ा में 4 मरीज पॉजिटिव मिले हैं और एक की मौत हुई है। बैतूल में 1 मरीज पॉजिटिव मिला है। विदिशा में 2 मरीज पॉजिटिव हैं। उज्जैन में 15 मरीज पॉजिटिव हैं और 5 की मृत्यु हो चुकी है। जबलपुर में 9 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। मुरैना में 13 मरीज, ग्वालियर चंबल संभाग में 6 मरीज पॉजिटिव हैं। इटारसी में अचानक 6 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। खरगोन में 12 मरीज पॉजिटिव मिले हैं और 2 मरीजों की मृत्यु हुई है। खंडवा में 5 मरीज, देवास में 3 मरीज, धार में 1, रायसेन में 1 और सेनवा में 12 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य अमला अब इनकी हिस्ट्री पर काम कर रहा है। इंदौर में अभी तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 22 पहुंच गई है। इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने कहा कि जिले के नए क्षेत्रों में आए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से अधिकांश की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री सामने आई है। ये मरीज भी पुराने कोरोना पॉजिटिव मरीजों से कहीं ना कहीं संपर्क में आए थे। खंडवा के मक्का मस्जिद में रुके जमात के 4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि मुंबई, दिल्ली और यूपी सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव हेतु मास्क के अनिवार्य उपयोग का जनहितैषी निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में भी बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए तत्काल यह निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए और सरकार को आम जन तक मास्क की आसान उपलब्धता भी सुनिश्चित करना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।